हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूल्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी पे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज की, और प्रॉपर्टी ब्रांड टूल्स में हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट लोकेशंस। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत शहर, जी हाँ, बहुत बड़ा आईटी हब है, एमपी में लोकेटेड है, हिंदुस्तान का दिल देखो में, एंड द नेम ऑफ द सिटी इज इंदौर। अगर आप इंदौर में रहते हैं या आप इंदौर में काम करते हैं या आपके रिलेटिव्स हैं इंदौर में, आप इंदौर में अपने लिए घर देखना चाहते हैं, तो कौन से लोकेशंस हैं जो आपको चूज करने चाहिए, उसके बारे में बात करें। सो द फर्स्ट लोकेशन इज विजयनगर। विजयनगर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड एरिया है और सेंट्रल इंदौर में लोकेटेड है। ये अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मिक्स ऑफ हाउसिंग ऑप्शंस के लिए बहुत ही पॉपुलर है, एक प्राइम लोकेशन है। सो दिस इज समथिंग, अगर आपका अच्छा बजट है, आप अच्छी लोकेशन में रहना चाहते हो, तो प्राइम लोकेशन। द सेकेंड ऑप्शन इज भगतपुरा। भगतपुरा इज अ परमानेंट लोकेलिटी विद अ मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेसेस विद प्रॉपर ग्रिड कनेक्टिविटी एंड इट इज नोन फॉर इट्स मार्केट एंड शॉपिंग। यहाँ पर ऑफकोर्स इट इज ऑफकोर्स अ प्राइम लोकेशन, बट यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं रेजिडेंशियल के भी और कमर्शियल के भी। थर्ड ऑप्शन इज साउथ टुकोगंज। तो जो ये टुकोगंज की जो बात हो रही है, ये सिटी सेंटर के पास में लोकेटेड है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सेंटर इंदौर का ही पार्ट है। और यहाँ पे भी अगर हम हाउसिंग या रेजिडेंशियल के ऑप्शन की बात करें, तो ऑफकोर्स मिक्स ऑफ आपका जो विला प्रॉपर्टीज हैं, डुप्लेक्सेस हैं, फ्लैट्स हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है। फोर्थ इज साकेत नगर। साकेत नगर यहाँ के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जाना जाता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो प्रॉक्सिमिटी है, यहाँ पे पास में ही काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड हैं, उसके लिए जाना जाता है। ये रिलेटिवली एक बहुत पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया ही है। जैसे एक एरिया डेवलप होता है धीरे धीरे रेजिडेंशियल कॉलोनी की तरह, कुछ लोग आए, फिर और लोग आए, तो ये एक बहुत ही पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया है। द फिफ्थ स्पेस इज पलासिया। पलासिया जो है ये कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया है, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट ऑप्शन बहुत वेल कनेक्टेड है और अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी के साथ में, और यहाँ पे बहुत सारे अगेन हाउसिंग ऑप्शंस हैं। सिक्स्थ इज न्यू पलासिया। न्यू पलासिया जो है पलासिया से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ के मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत ही पॉपुलर है। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट एरिया है विद अ मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। सेवेंथ है जो अपना राजेंद्र नगर वाला एरिया है। राजेंद्र नगर इज रेजिडेंशियल लोकेलिटी और इसने रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से विटनेस किया है। यहाँ पर आपको मिक्स हाउसिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, डुप्लेक्सेस मिल जाते हैं, विला मिल जाते हैं, बिल्डर फ्लोर्स मिल जाते हैं, फ्लैट्स मिल जाते हैं, और जो भी हमें एसेंशियल एमिनिटीज चाहिए किसी जगह में रहने के लिए, ऑफकोर्स अच्छा रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आसपास में ही मिल जाती हैं। जो एट्थ लोकेशन है, दैट इज पिपलिया है ना। ये एक डेवलपिंग एरिया है, मिक्स हाउसिंग ऑप्शंस है, बहुत वेल कनेक्टेड है, और इस एरिया ने रीसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम ग्रोइंग लोकेशंस पे जाएंगे तो प्राइसिंग जो है वो अफोर्डेबल हमको ऑप्शंस मिलेंगे, और जो प्राइम लोकेशंस हैं, जो पहले से रचे बसे हैं, वहाँ पे प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होगा। इट आल्सो अफेक्ट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग इन। ऐसा भी हो सकता है जो अभी के डेवलपिंग एरिया है वहाँ आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाए, तो इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, उस पर आपको अपनी स्टडी करनी होगी। ऑफकोर्स इस सिटी के अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेकर के हम फर्दर अपने वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।